एंग उड़ चेन्नई के अड़िया विशल आड़िके एंग उड़ धोनी थाला के अंग विशल आड़िके चेन्नई सुपर किंग व्हाट अ परफॉर्मेंस व्हाट अ परफॉर्मेंस यू हैव गिवन अ फैंटास्टिक फैंटाबुलस परफॉर्मेंस व्हाट अ परफॉर्मेंस आई एम डिलाइटेड टुडे एंड व्हाट अ शेमफुल परफॉर्मेंस बाय मुंबई इंडियन एस्पेशली रोहित शर्मा. लेट्स टॉक अबाउट दिस ऑल मैच. द फर्स्ट थिंग क्या है ना कि 1947 में एक बार अंग्रेज ने हम लोगों के ऊपर आजादी करके सारा माल लूट के ले गया. अभी इंग्लैंड के सारे प्लेयर यही कर रहे हैं आईपीएल में. आईपीएल में हेनरी ब्रुक ले, कैमरन ग्रीन ले, हमारे सैम करन ले, सब करोड़ में बिके हैं और घंटा ना किसी का परफॉर्मेंस है, घंटा ना परफॉर्मेंस है. वो लोग बोल रहे हैं कि सैम करन ने एक पंजाब का मैच जितवाया. अरे सारे 16 रन चेंज करना था, 16 रन भी पिलवा देते तो क्या ही वो बैट्समैन रहता. खैर आज के मैच में आएंगे. आज का मैच टोटली ऑल अबाउट धोनी. एक बात मालूम है आपको, अगर फिल्म मूवीज में अगर डायरेक्टर बहुत अच्छा हो ना तो किसी से भी एक्टिंग करा सकता है. फॉर एग्जांपल अगर मैं ही कभी कोई देखा तो जंगल मूवी देखे राम गोपाल वर्मा का, जिसमें फरदीन खान जैसे घटिया एक्टर भी एक्टिंग किया है जंगल मूवी में. सेम धोनी अगर है ना तो कोई भी टीम में कोई भी प्लेयर अच्छा खेल सकता है. फॉर एग्जाम्पल आज तुषार देशपांडे ने अच्छी बॉलिंग करी है और जिसे विश्वास नहीं होता तो रोहित शर्मा का वो विकेट देख ले जाके, एंड दैट वाज अ फैंटास्टिक मास्टरमाइंड बाय धोनी. एक ऐसा बंदा जो विकेट के पीछे से पूरा गेम बदल देता है और ये हम लोगों ने पहले देखा है और आज भी देख रहे हैं और देखते रहेंगे शायद. इस बंदे में एज का कोई रिफ्लेक्सेस पे कोई असर नहीं पड़ता. ये बंदा समय के साथ मैच्योर होते गया, इसका रिफ्लेक्सेस और भी अच्छा होते गया. अरे 5 ओवर में 60 रन बना ली थी मुंबई सीएसके, ऐसा लग रहा था कि 200 रन बनाएगी. लेकिन धोनी भैया बोले, एक मोदी जी ने बोले थे तुम्हारे घुस में घर में घुस के मारेंगे, आज धोनी भैया ने मुंबई इंडियंस के घर में घुस के मार दिया, घर में घुस के प्रहार कर दिया. वांगड़े में फ्लैट 5 ओवर के बाद धोनी भैया लाते अपने स्पिनर्स सैंटैंडर जडेजा, ये लोग ले लेते विकेट. भैया क्या ही तो अभी धोनी भैया किसी को भी खिला रहे. आज तो आपके यहाँ मोइन अली और बेन स्टोक नहीं खेले थे, वो लोग स्पिनर्स नहीं खेले थे, तो ये घटिया घटिया स्पिनर्स लोग विकेट ले रहे. देशपांडे की फॉर्म भी वापस आ गई. धोनी भैया टेक अ बॉल, आप कुछ भी कर सकते हो भाई, कुछ भी कर सकते हो. एंड व्हाट अ शेमफुल परफॉर्मेंस बाय नन अदर प्लेयर कॉल्ड सूर्य कुमार यादव, द प्लेयर कॉल्ड 360, वॉट एवर वी कॉल इट 360. सूर्य कुमार इधर मारता है, उधर मारता है, खड़े होकर मार देता है, चाय पीते मारता है, टट्टी करते मारता है, सूसू मार के मारता है. सूर्य कुमार यादव जैसे प्लेयर मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ, आए और गए इंडिया टीम से. सूर्य कुमार यादव का जिंदगी हो गया खत्म. एक आध परफॉर्मेंस बीच में दे देगा लेकिन ही इज नॉट अलाइव नाउ. इट इज द फिनिश ऑफ सूर्य कुमार यादव. सूर्य कुमार यादव टाटा भाई. प्रॉब्लम मुंबई इंडियन टीम्स के साथ क्या है ना, मुंबई इंडियन टीम्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, उन्होंने पांड्या ब्रदर्स को लूज किया. किसके लिए? वो हमारे लालू यादव का जो गांव से है ईशान किशन, उसके लिए उन्होंने पांड्या ब्रदर्स को लूज कर दिया. दैट्स द डाउनफॉल ऑफ मुंबई. जसप्रीत बुमराह बीमार चल रहे. लोग मुझे कमेंट में पूछ रहे थे कि जसप्रीत बुमराह को कौन सी बीमारी हुई है. क्या अभी बेंच में जसप्रीत में गांड की हड्डी का फ्रैक्चर हुआ है? टू बी फ्रैंक, टेलबोन के नीचे गांड की हड्डी का फ्रैक्चर हुआ जसप्रीत बुमराह का. दैट इज द प्रॉब्लम विद जसप्रीत बुमराह. एनीवे, टॉकिंग अबाउट टुडे मैच, बॉलिंग भैया जो चेन्नई सुपर किंग जब आई ना बैटिंग करने, भैया एक प्लेयर जो लग रहा था खत्म हो गया वो आ गया अचानक से, उसका नाम है अजिंक्य रहाणे. भाई रहाणे आके मार रहा है भाई, लगा रहाणे का डाउनफॉल. अगर रहाणे आके मार दिया 21 बॉल में कुछ 50 60 रन मार दिया, 27 बॉल में 50 60 रन मार दिया, भैया क्या ही खेल रहा है. और गायकवाड, व्हाट अ मैच्योरिटी दैट गाय हैज शोन टुडे. इतना मैच्योर कि पहले दो मैच में धार दूर मारा, इस मैच में पूरा सीट एंकर इनिंग रोल खेल रहा है. उधर वो मार रहा है रहाणे तो इधर आराम से टुकुर टुकुर कर रहा. मेनी पीपल आर टेलिंग कि गायकवाड को WTC फाइनल में ले जाना चाहिए. मेरे कमेंट बॉक्स में मेरे फ्रेंड्स लोग गायकवाड बोल रहा हूँ, अपने अजिंक्य रहाणे को WTC फाइनल में ले जाना चाहिए. अबे एक मैच से नहीं होता परफॉर्मेंस, यही तो प्रॉब्लम है तुम लोगों की जनरेशन की. अबे T20 का जो मैच है ना, यही प्रॉब्लम है. तुम लोग T20 मैच से टेस्ट में ले जाते हो, तभी तो सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन को ले गए थे तुम लोग टेस्ट में और सरफराज खान को छोड़ दिए. तो सरफराज खान जो T20 में लोग बोले सरफराज खान IPL में परफॉर्मेंस नहीं दिया, अबे वो T20 का प्लेयर नहीं है, वो टेस्ट का प्लेयर है. तो उसने T20 में टेस्ट के अंदाज से खेला, तो ये लोग भी जब जाएंगे उधर खेलने टेस्ट तो ये भी ऐसे ही करेंगे. खैर
That is a devastating performance by Mumbai Indians today. Mumbai Indians especially need to think about many things. First thing they think need to think about how to make the inning after having an explosive start in the power play. And they need to literally think about their bowling. जोफ्रा आर्चर चल नहीं रहे क्योंकि मैं तो पहले बोला इंग्लैंड वाले पैसा लेके चले गए, पता नहीं क्या होने वाला। खैर एक और मैच हुआ राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल की टीम, वो जो बंदा है ना, वो अपना जो अभी जोमेटो में आज खाना खा रहा था, अभी जो वीडियो वायरल हुआ अपना जो, अरे अपना जो जो विकेट कीपर पुराना, मतलब नाम भी याद नहीं आता यार उसका, अरे ऋषभ पंत, तो जो बंदा है ना ऋषभ पंत, तो ऋषभ पंत के बाद दिल्ली कैपिटल टीम लगता है सुहा उस ऋषभ पंत पे टिकी हुई थी। अबे 50-60 करोड़ की टीम एक प्लेयर पे तुम्हारी टिकी हुई है, और दिल्ली कैपिटल्स में प्लेयर सब देखो यार, डेविड वार्नर, रायली दसो, अबे तुम लोग से रन नहीं बन रहा है यार, 140 रन बना रहे हो तुम लोग, ये तो वही ऊंची दुकान फीका पकवान, ऐसे ही हो गया दिल्ली कैपिटल्स की टीम। आरआर की टीम तो है ही स्ट्रॉन्ग, जॉस बटलर आके मार देते हैं, फिर वो नीचे वो यशस्वी जायसवाल, जॉस बटलर, इधर ये अपना संजू भैया, ये लोग स्थिति स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइन में धार दो मार के 200 रन बना देते दिल्ली कैपिटल्स। पृथ्वी शॉ चल नहीं रहे, प्लेयर देखो यार, पृथ्वी शॉ, डेविड वार्नर, रायली रसू, अपना अक्षर पटेल, कोई नहीं चल रहा है। मतलब इफ 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 दीज ऑल थिंग्स आर नॉट हैपनिंग, यू मस्ट थिंक अबाउट योर कैप्टनशिप एंड व्हाट धोनी हैज डन, यू मस्ट नीड टू थिंक अबाउट दैट। एनीवे वीडियो थोड़ी लंबी थी आज क्योंकि लोगों का यह आया था ये कमेंट कि भैया आप थोड़ा लंबे वीडियो बनाया करें, तो आपसे भैया लंबी वीडियो बनाया करेंगे। मिलते हैं कि दूसरे वीडियो में, चश्मा टूट गया है, नया चश्मा लेंगे, 50 रुपये का आता है नया चश्मा, गर्मी बहुत बढ़ गई है इधर, तो दुआ में याद रखे, फिया मोमिन अल्लाह, जय श्री राम, गॉड आप सब की रक्षा करे, जीसस क्राइस्ट, मिलते हैं, बाय।